हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत तिवारी फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब है फ्रेंड, मानिए जैसे कि हमारा ये हाथ है, तो ये हाथ के ऊपर कोई नेट वगैरह हो और कोई जैसे कि प्लास्टिक वगैरह मैंने दिया है, तो प्लास्टिक का अगर अलग कलर हो तो नीचे से हमारा हाथ का भी कलर का इफेक्ट दिखेगा, और प्लास्टिक और जो हाथ ये मिक्सिंग और दोनों कलर यानी कि हमारे इसके ऊपर जो प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक के बाद जो नीचे डार्क टाइप आ जाएगा, तो कितना यानी कि दोनों टोन ही हमें दिखेगा। तो इसी तरह ट्रांसपेरेंसी होता है। मानिए जैसे कि आप साड़ी पहने हैं, स्किन के ऊपर कोई नेट वगैरह, कोई ड्रेस वगैरह आपने पहने हैं, तो नेट का भी इफेक्ट दिख रहा है, आपका जो स्किन का वो भी इफेक्ट दिख रहा है। ओके, दूसरी बात है, कोई पर्दा लगा हुआ है, पतला पर्दा, पर्दे के पीछे जो विजुलेशन है तो वो भी आप बहुत आसानी से आप लोग देख पा रहे हो, और इवन पर्दे का भी इफेक्ट आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि आग हो रहा है, तो आग का सामने अगर कोई पर्दा वगैरह रखे तो पीछे में से जो आग उठ रहा है तो उसका भी कलर, और फ्रंट में से जो पर्दा है उसका भी कलर हम लोगों को करना है। तो वो कैसे करें, तो मानिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है एक प्लास्टिक है, तो देखिए प्लास्टिक के नीचे से हमारा हाथ दिख रहा है फ्रेंड, तो इसका एक अलग से कलर हो रहा है, और साइड में इस जगह में जो नेचुरल जो प्लास्टिक का कलर वो दिख रहा है, मगर हमारा हाथ नीचे रह रहा है और प्लास्टिक का भी इफेक्ट एक उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर हमारा हाथ में पड़ रहा है, पड़ने के बाद वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा है हमारा हाथ, और साथ ही साथ ऊपर में जो ब्लूइश जो है वो भी इफेक्ट हमारे हाथ के ऊपर दिख रहा है, मगर साइड में जो वाला हिस्सा है वो एकदम ब्लू ही दिख रहा है। बस यही ट्रांसपेरेंसी हम किस तरीके से इस इफेक्ट को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इसी तरह कुछ, मानिए आपके पास इसी तरह कुछ इफेक्ट पहले से ही दिया हुआ है। मैं जैसे कि अगर पूरा ऐसे करके दिखाने जाऊँ तो नहीं सूखेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले से ये फर्स्ट जो टोन है वो कलर सूखा के मैंने रखा हो। उसके बाद अलग से उसके ऊपर आप कोई भी आप टोन दे दें, मानिए ग्रीन वगैरह है। ओके, तो इस ग्रीन को इतना पतला करना है ताकि वो थोड़ा सा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ जाए। ये देखिए, मानिए मैंने इस जगह को कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं समझेंगे इस जगह में, ऐसे। ओके फ्रेंड, ऐसे करके इस जगह में कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैंने इसके ऊपर कर दूँ। ओके, तो इसके ऊपर अब देखिए, बहुत आसानी से देखिए क्या हो रहा है इस जगह में। देखिए इस जगह में जैसे ग्रीन कलर ग्रीन ही रहा है, मगर इस जगह में थोड़ा सा ग्रीन इसके साथ मिक्स हो गया है, और साथ ही साथ ये वाला जो ग्रीन बाहर की हो रहा है, यानी कि दोनों कलर इस जगह में मिक्सिंग हुआ है, मगर इस जगह में अलग से कलर हो गया है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर अगर प्रशियन ब्लू डाल दूँ, तो जैसे कि ये सुखाने के बाद ही आप दूसरी कोई अलग से टोन आप लोग यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये बैक उसके बाद ऊपर जो मैंने ग्रीन दिया है वो सूखेगा, उसके बाद आप अलग से कलर इफेक्ट इसके ऊपर देना चाहते हैं तो भी आप लोगों को सुखाने के बाद ही देना पड़ेगा, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसी तरह के इफेक्ट आप लोग देना चाहते हो फ्रेंड, जो बेसिक बेस वाला हिस्सा है जो नीचे रहेगा वो पहले कर लेना, कलर वगैरह जितना है डिटेलिंग कर लेना है, कर लेने के बाद सूख जाएगा, उसके बाद पतला करके ऊपर में से कोई भी कलर इफेक्ट उसके ऊपर डाल देना होता है, इसे ट्रांसपेरेंसी हम बोलते हैं। तो वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हम लोग समझाते हैं, मगर ये जो तरीका है इस जगह में है, मगर आगे जब कोई पेंटिंग वगैरह हम यूज़ करेंगे उसमें हम अलग तरीका से भी हम लोग समझा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना है, यही आप लोगों को सीखना है ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से करना है। क्या मानिए जैसे कि इस जगह में है, तो चलिए मैंने वाटर को थोड़ा सा हटा दूँ इस जगह से, ये देखिए। तो इस जगह में जो कलर है मैंने इस जगह में देना चाहता हूँ, चलिए एक येलो का एक इफेक्ट मैं देना चाहता हूँ। ओके, येलो का इफेक्ट, तो चलिए ये देखिए पतला कर लिया है मैंने। पतला करने के बाद फ्रेंड मैंने इस जगह में ऐसे करके डाल दिया है, देखा है, ठीक है फ्रेंड, क्या हुआ है, फिर से वही बात है, इस जगह का अलग से टोन, इस जगह का जैसे कि ये कलर सेम हुआ है, मगर ये जो मिक्सिंग वाला हिस्सा है ये, तो हमें जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर बेस कलर का तो लगेगा कि हाँ इसके ऊपर कुछ है, बस यही दिखाना है, नीचे का भी हिस्सा दिखे और ऊपर का भी हिस्सा दिखे, और जितना भी कलर हम देंगे वो सभी एक एक करके इस जगह में अगर मिक्सिंग होंगे तो दोनों कलर के साथ हम तीसरी कोई कलर यूज़ करूँ वो इफेक्ट इस जगह में दिखे, और साइड में बाहर वाला हिस्सा जो नेचुरल जो उसका जो कलर वो दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।